हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सपना भाटी, योर साइंस टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 3, एनिमल फाइबर्स। इन सिक्स स्टैंडर्ड यू हैव रेड अबाउट फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। फाइबर्स आर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ विच फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ। फाइबर्स का यूज़ किया जाता है फैब्रिक्स बनाने के लिए, और फैब्रिक्स से हम हमारे क्लोथिंग और दूसरी चीज़ें बनाते हैं। फाइबर हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। प्लांट जैसे कि कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, फ्लैक्स प्लांट, इन सब से हमें फाइबर मिलता है, और हमें एनिमल से भी फाइबर मिलता है। इस चैप्टर के अंदर हम उन फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर, फाइबर्स एंड फैब्रिक। क्लोथिंग इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज़। क्लोथिंग, हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमारी बेसिक ज़रूरतों में से एक है। क्लोथ्स आर स्टिच फ्रॉम द फैब्रिक। क्लोथ्स को फैब्रिक से बनाया जाता है, फैब्रिक को सीकर कपड़े बनते हैं। फैब्रिक्स हैव अ वैरायटी ऑफ टेक्सचर, बट ईच टाइप ऑफ फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड बाय वीविंग द फाइबर्स। हम जो अलग अलग तरह के फैब्रिक्स यूज़ करते हैं उसका जो टेक्सचर है, उसका जो कपड़ा होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई रफ़ होता है, अलग अलग तरह का होता है। लेकिन हर तरह का जो फैब्रिक होता है उसको, फाइबर को आपस में वीव करके, आपस में गूंथ करके फैब्रिक बनाया जाता है। फाइबर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रैंड्स ऑफ सम मटीरियल। फाइबर क्या होता है? किसी भी मटीरियल के स्ट्रैंड्स, लंबे लंबे से रेशे फाइबर कहलाते हैं। दे आर द रॉ मटीरियल फ्रॉम विच फैब्रिक और टेक्सटाइल फॉर आवर क्लोथ इज प्रिपेयर्ड। ये जो फाइबर्स होते हैं ये रॉ मटीरियल होता है, कच्चा माल होता है, जिससे कि हमारे फैब्रिक या हमारे जो टेक्सटाइल, हमारे जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं। डिफरेंट फैब्रिक्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। अलग अलग फैब्रिक के अलग अलग टाइप का फाइबर यूज़ होता है। कॉटन क्लोथ में अलग होगा, वुलन क्लोथ में अलग होगा, जूट के क्लोथ में अलग होगा, पॉलिस्टर जो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक, उसके अंदर पॉलिस्टर का फैब्रिक अलग होगा। तो हर तरह के जो फैब्रिक होते हैं वो अलग अलग तरह के फाइबर से बने होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स इन डिटेल। इस चैप्टर के अंदर हम एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। तो ये जो दो फाइबर के नाम आपको दे रखे हैं, वूल और सिल्क, ये हमें एनिमल से मिलता है। हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्लोथिंग मटीरियल्स। कुछ एनिमल्स होते हैं उनके जो बाल होते हैं शरीर के ऊपर, उनका इस्तेमाल किया जाता है क्लोथिंग मटीरियल बनाने के लिए। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेंड फ्रॉम द एनिमल्स। वूल और सिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है। वूल किससे मिलता है हमें? शेप, गॉट, इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनसे हमें वूल मिलता है। सिल्क हमें, सिल्क वर्म नाम का एक कीड़ा होता है उससे मिलता है। देयरफॉर द फाइबर्स ऑब्टेंड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। तो जो फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं वो एनिमल फाइबर कहलाते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी वूल इन डिटेल। वूल इज कॉमनली ऑब्टेंड फ्रॉम द हेयर ऑफ शेप, गॉट्स, याक्स, रैबिट्स, कैमल्स। ये जो वूल है वो हमें इन सब एनिमल्स के शरीर पर जो बाल होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं, उससे मिलता है। ऑल दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। व्हाई? ये जो सारे एनिमल्स के नाम आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, इन सब एनिमल्स की बॉडी पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और वो क्यों होते हैं? वूल फाइबर इज हाईली पोरस। वूल फाइबर जो होता है वो हाईली पोरस होता है। पोरस मीन्स उसके ऊपर छेद होते हैं। जैसे अगर आपने वूल के, ऊन के बने हुए स्वेटर भी देखे होंगे तो उनके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। द एयर इन द पोर्स एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू गो आउट। तो जो इन छोटे छोटे जो छेद होते हैं इस फाइबर के अंदर, उसके अंदर क्या होती है, हवा होती है, एयर होती है, और ये जो एयर है ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। इंसुलेटर मतलब जो हमारी जो हीट है, बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देते। जब हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं निकलेगी तो हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। थस हेयर ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स कीप देम वार्म ड्यूरिंग कोल्डर कंडीशन। तो इनकी बॉडी पर ये जो हेयर होता है, इससे क्या होता है, ये जो एनिमल्स है ये ठंड के दिनों में भी अपने शरीर को
गर्म रख पाते हैं। और जब इनके बने हुए कपड़े जब सर्दी में हम पहनते हैं तो हमारा शरीर भी कैसा रहता है, गर्म रहता है। वूल इज़ यूज फॉर मेकिंग विंटर क्लोथिंग, इसीलिए हम जो है वूल ऊन का इस्तेमाल सर्दियों के कपड़े बनाने के लिए करते हैं। अब हमें एक टेबल दी हुई है, इसके अंदर हमें इंडियन ब्रीड्स जो है शिप की वो बताई हुई, शिप की अलग अलग जो प्रजाति मिलती है इंडिया के अंदर उनके नाम बताए हुए हैं। सबसे पहला है रामपुर बुशेयर, इसकी जो वूल की क्वालिटी है वो कैसी होती है, ब्राउन फ्लीस होता है, ब्राउन कलर के इसके हेयर्स होते हैं। और ये कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। अगली है नैली, नैली की जो वूल होती है वो कारपेट वूल होती है, इसको कारपेट जो हमारे बिछाने के लिए यूज़ होती है उसको बनाने में काम में लिया जाता है, ये राजस्थान हरियाणा और पंजाब में मिलती है। लोही, लोही की जो क्वालिटी होती है वूल की वो अच्छी क्वालिटी होती है, ये भी राजस्थान और पंजाब में मिलती है। फिर है बकरवाल, बकरवाल जो शिप है इसकी वूल को जो शॉल्स होती है हमारी ऊनी शॉल जो होती है ठंड में जिनको हम यूज़ करते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जम्मू और कश्मीर में मिलती है। नेक्स्ट इस पतनवाड़ी, पतनवाड़ी ये हौजरी आइटम्स बनाने के लिए यूज़ होता है, हौजरी आइटम जैसे कि आपके सॉक्स, स्कार्फ, इस तरह के जो चीज़ें हैं वुलन की उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये गुजरात में मिलती है। लास्ट है मारवाड़ी, मारवाड़ी ये कोर्स वूल होता है, लो क्वालिटी का वूल होता है, और ये गुजरात में मिलती है। द क्वालिटी ऑफ वूल इज़ डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, ऊन जो है वो किस तरह की है, उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी, ये इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इनको देखकर ही हम पता लगाते हैं कि वूल जो है हमारा, ऊन जो है वो अच्छा है या बुरा है। सबसे पहला होता है स्केल स्ट्रक्चर, गुड वूल फाइबर्स हैव स्केल्स विच ओवरलैप लाइक शिंगल्स ऑन अ रूफ। तो जो स्केल स्ट्रक्चर होता है इसका मतलब अच्छी क्वालिटी का जो वूल फाइबर होगा इसके अंदर स्केल्स होंगे, और ये स्केल्स जो होंगे वो कैसे दिखेंगे, जैसे कि हमारे झोपड़ी की छत के ऊपर जो शिंगल्स लगाए जाते हैं जिसको हम केलू बोलते हैं, तो वो जो केलू लगाए जाते हैं वो किस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से ओवरलैप होते हैं, अच्छी जो वूल होगी उसके फाइबर्स भी हमें उसी तरह से ओवरलैप होते हुए दिखेंगे। अगला है क्रीम, क्रीम और बैंड्स इन अ वूल फाइबर मेक इट हैवियर देन अदर टेक्सटाइल एंड हेल्प इट टू रिटेन हीट। क्रिम्प मतलब जो बैंड आए हुए होते हैं वुलन फाइबर के अंदर, जो बैंड आए हुए होते हैं उससे क्या होता है, इन बैंड के कारण जो हमारा फाइबर है वो हैवी हो जाता है, दूसरे कपड़ों के मुकाबले हैवी होता है, और इसके हैवी होने के कारण हमारे शरीर की जो गर्मी है हीट है वो हमारी बॉडी में ही बनी रहती है। फाइनर क्वालिटीज ऑफ वूल हैव मोर क्रीम, जो अच्छी क्वालिटी का वूल होगा उसके अंदर क्रीम्प जो है बैंड्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है डायामीटर, द डायामीटर ऑफ वूल फाइबर्स वेरीज फ्रॉम 15 माइक्रोमीटर्स सुपरफाइन मेरिनो टू 30 और मोर माइक्रोमीटर्स फॉर कोर्सर वूल। मतलब डायामीटर जो है वो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, 15 माइक्रोमीटर है तो वो सुपरफाइन मेरिनो है, अच्छी क्वालिटी का है, और अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो कोर्स वूल होगा, उसकी क्वालिटी थोड़ी लो होगी। लेंथ, लॉन्गर फाइबर्स मेक फाइनर वूल, लेंथ वेरीज फ्रॉम 6 इंच टू 15 इंच। लंबे फाइबर जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी का वूल बनाते हैं, और इनकी जो लेंथ है वो 6 इंच से 15 इंच होती है। नेक्स्ट इज कलर, वूल इज़ जनरली क्रीमी वाइट इन कलर, वूल जो होता है जनरली वो क्रीमी वाइट कलर का होता है, क्योंकि वूल हमें कहाँ से मिल रहा है, एनिमल्स की हेयर से, तो एनिमल के उन हेयर का जो कलर होता है वो जनरली कौन सा होता है, क्रीमी वाइट कलर होता है। ओनली सम ब्रीड ऑफ शिप प्रोड्यूस ब्लैक ब्राउन एंड ग्रे वूल, सिर्फ कुछ ही ब्रीड्स होती है शिप की जो कि ब्लैक ब्राउन और ग्रे कलर का वूल प्रोड्यूस करती है, बाकी जनरली सारा क्रीमी वाइट होता है। लास्ट है क्लीनलीनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम डैमेज, दीज फैक्टर आर डिटरमाइंड बाय द स्किल ऑफ द वर्कर्स हु शीर वूल फ्रॉम द शिप एंड प्रोसेस इट देयर आफ्टर। ये जो फैक्टर है, ये जो वर्कर काम कर रहे हैं जो एनिमल की इस हेयर को रिमूव कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करता है कि उनमें कितनी काबिलियत है, वो किस तरह से अपने काम को कर रहे हैं और उसको किस वूल को किस तरह से प्रोसेस करते हैं कपड़ा बनाने के लिए, ये उन पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमें एक डायग्राम गिवन है,
इसके अंदर हमें वो एनिमल्स गिवन है सारे जो कि वूल, जिन जो कि वूल बनाने के लिए, जिनसे वूल ली जाती है, शेप, गॉट, याक, कैमल, रैबिट, लेमा, एल्पेका और विक्वेना, ये एनिमल्स हैं, इनके हेयर को यूज़ करके वूल बनाई जाती है। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ वूल फ्रॉम द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द वूल यील्डिंग एनिमल्स टू द फाइनल फिनिश्ड वुड। अब हम ये पढ़ेंगे कि वूल बनने की जो जर्नी होती है वो कैसी होती है, कैसे एनिमल को पाला जाता है, उनसे वूल को, उनके हेयर को निकाला जाता है, फिर उसको फाइनली प्रोसेस करके वूल बनाई जाती है। गेटिंग वूल फाइबर फ्रॉम शेप इन्वॉल्व्स द स्टेप्स गिवन बिलो। वूल शेप से वूल फाइबर बनने तक के जो स्टेप्स होते हैं वो हमें नीचे दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शेप, उसके बाद होता है शियरिंग, फिर होता है वॉशिंग एंड स्कॉर्निंग, उसके बाद आता है कार्डिंग, कार्डिंग के बाद होता है डाइंग, फिर स्पिनिंग एंड वीविंग। तो हम सबसे पहला स्टेप जो है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शेप ये पढ़ने वाले हैं। शिप्स आर हर्बीवॉर्स एंड प्रिफर्स लीव्स एंड ग्रास। शिप्स हर्बीवॉर्स होती है। हर्बीवॉर्स कौन होते हैं? वो एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं, जो एनिमल प्लांट्स खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्बीवॉर्स। और शिप भी एक हर्बीवॉर है, ये लीव्स और ग्रास को खाती है। हाउ एवर द वूल यील्डिंग शीप आर गिवन प्रोटीन रिच फूड सच एज मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्सेस, जॉवर एंड ऑयल केक। ये जो एनिमल्स, जो जिन शिप से हम वूल निकालने वाले हैं, उनको स्पेशल प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है जिसके अंदर कॉर्न, पल्सेस, जॉवर और ऑयल केक का मिक्सचर होता है। शीप फीड ऑन सच अ डाइट डेवलप अ गुड ग्रोथ ऑफ कर्ली एंड शाइनी हेयर। अगर किसी शिप को ये डाइट जब दी जाती है तो उसकी, उसके जो हेयर है वो शाइनी होते हैं, उनमें चमक होती है और कर्ली होते हैं, घुमावदार होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वूल द शिप आर सिलेक्टिवली ब्रेड बाय चूजिंग द पेरेंट्स ऑफ द शिप विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। किस तरह की क्वालिटी देती है वूल, और जो इसमें क्या किया जाता है, शिप को सिलेक्टिवली ब्रेड किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी एक शिप जो है उसके हेयर की जो क्वालिटी है वो अच्छी शाइनी है, जबकि दूसरी शिप जो है उसके हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों एक अच्छे कैरेक्टर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इन दोनों के जो अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको क्या किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, मतलब उनको साइंटिफिक तरीके से एक ही स्पीशीज़ के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा, हमें एक ही शिप से सारी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए। शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। हमारी कंट्री में बहुत सारे हिस्सों में शिप को पाला जाता है ऊन के लिए। व्हेन द रियर्ड शिप डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर दे आर शेव्ड ऑफ। जब शिप के अच्छी ग्रोथ हो जाए बालों की तो उनको शेव ऑफ कर दिया जाता है, मतलब उनके बालों को हटा दिया जाता है। सेकेंड जो स्टेप है वो है शियरिंग। द प्रोसेस ऑफ शेविंग ऑफ अ शिप्स बॉडी टू ऑब्टेन फ्लीस अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शियरिंग। ये जो प्रोसेस है इसके अंदर शिप की बॉडी से क्या कर दिया जाता है, उसकी जो एक पतली सी थिन लेयर स्किन की निकाल ली जाती है, जिसमें उसके जो बॉडी के हेयर्स हैं वो भी साथ में होते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है शियरिंग। जैसे मुंडन की तरह होता है कि जैसे डेड ऊपर की जो हल्की सी स्किन है वो भी निकल जाती है, इसको जब करा जाता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ हेयर कटिंग मशीन। हेयर कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है शेयरिंग करने के लिए। शेयरिंग इज़ डन ओनली वंस इन अ ईयर, जनरली इन स्प्रिंग और अर्ली समर। शेयरिंग हमेशा साल में एक बार ही करी जाती है, या तो स्प्रिंग में करते हैं या फिर अर्ली समर में करते हैं। आफ्टर द शियरिंग द शिप इज इमीडिएटली डिप्ड इन टू एन एंटीसेप्टिक टू प्रिवेंट एनी स्किन इन्फेक्शन। उसके शियरिंग कर ली, उसके जो भी बाल थे वो हमने हटा दिए, उसके बाद उसको एंटीसेप्टिक के अंदर डिप कर दिया जाता है, उसकी उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसको किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप है वॉशिंग और स्कॉरिंग। द शियर्ड स्किन विथ हेयर इज थॉरोली वॉश्ड इन सोप सॉल्यूशन इन अ नंबर ऑफ टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट। अब जो हमने शियरिंग करी है, उसकी जो शियर्ड स्किन आई है, जिस स्किन के साथ में उसके बाल भी हैं,
उसको क्या करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे सोप सॉल्यूशन से। बहुत सारे टैंक बने होते हैं, उनके अंदर इसको अच्छे से वॉश किया जाता है, जिससे कि ग्रीस, चिपचिपा जो सब्सटेंस होता है स्किन के साथ, वो डर्ट और डस्ट, जो भी गंदगी है, मिट्टी है, वो सारी ताकि निकल जाए। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीस, डर्ट और डस्ट फ्रॉम द हेयर इज कॉल्ड स्कोरिंग। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि उसकी शेयर्ड स्किन को अच्छे से धो रहे हैं ताकि उससे डर्ट, डस्ट और ग्रीस निकल जाए, वो कहलाता है स्कोरिंग। नाउ अ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। इन दिनों ये जो स्कोरिंग का काम है वो मशीन से किया जाता है। द स्कोर्ड हेयर आर देन ड्राइड, और एक बार उसको अच्छे से धो लेते हैं उसके बाद सुखा दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है कार्डिंग। द क्लीन सिलेक्टेड वूल फाइबर्स आर पास थ्रू रोलर्स। उसके बाद जो हमारा क्लीन वूल बचा है, वूल फाइबर है, उसको रोलर से पास करते हैं। दिस स्ट्रेटन्स द फाइबर्स एंड रिमूव द अनवांटेड मैटर। इससे रोलर से जब वो पास होता है तो क्या होता है कि जो वूल है वो स्ट्रेट हो जाती है, और जो भी अनवांटेड मैटर है, जो हमें नहीं चाहिए, वो सारा उसमें से हट जाता है। द फाइबर्स आर स्कॉर्न अगेन एंड ड्राइड। स्कॉर्न मीन्स फिर से वापस क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे सोप सॉल्यूशन से और फिर वापस उसको सुखा देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डाइंग। द फूल फाइबर्स ऑफ लाइट और वाइट कलर आर डाइड इन एनी कलर ऑफ चॉइस। एक बार हमारे ये इस तरह से रोलर्स, रोलर होने के बाद, रोलर स्कोरिंग और ड्राई करने के बाद उस वूल फाइबर को डाई करा जाएगा जिस भी कलर का हमें चाहिए, चाहे लाइट कलर चाहिए, डार्क कलर चाहिए, या कोई भी कलर जो हमारी चॉइस का, उसमें उसको डाई किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो होता है स्पिनिंग एंड वीविंग। द वूल फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कोम्ब्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। वूल फाइबर को स्ट्रेट करेंगे, कॉम करेंगे और उसको यार्न में बदल देंगे। लॉन्गर फाइबर्स गिव्स वूल यार्न फॉर स्वेटर। जो लंबे फाइबर होंगे वो हमें वूल यार्न देंगे स्वेटर्स के लिए, जबकि शॉर्टर फाइबर जो होंगे आर स्पून एंड वोवन इनटू वूलन क्लोथ, वो वूलन क्लोथ बनाने के लिए काम आते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ वूल इंडस्ट्री। पीपल वर्किंग इन द सॉर्टिंग डिपार्टमेंट आर एट अ रिस्क बिकॉज दे मे गेट इन्फेक्टेड बाय एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया कॉज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज। अब जो लोग वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको बहुत ही रिस्क होता है, क्योंकि उन जो वूल के जो हेयर वूल जो होता है उसके अंदर एक इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होगा, तो इनफैक्ट एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, और जब ये किसी इंसान को उसको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको एक ब्लड डिजीज़ हो जाती है जिसको बोलते हैं सॉर्टर डिजीज़। यहाँ पे आपको इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। इसके अंदर ये जो पर्सन है उसको सॉर्टर डिजीज़ हो गई है, ये फैटल होती है, इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है।